और ये काफी लूज बॉल शानू की पहली, पूरा फायदा उठाया, मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है चार रनों के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद और ये सीधा बल्लेबाज क्षेत्ररक्षक के हाथ में खेल बैठे एहसान। काफी अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए, लेकिन इस बार जमीन पे नहीं रख पाए गेंद को और सीधा हाथों में दे दिया, कैच आउट। 40 के स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद होने वाली मैच एसके वैली और फतेहपुर, दोनों ही टीम के कप्तान रेडी रहे इस इनिंग के बाद टॉस उड़ाने के लिए। एसके वैली और फतेहपुर के कप्तान मेरी आवाज सुन रहे तो इस इनिंग के बाद तैयार रहे टॉस उड़ाने के लिए। शानू के ओवर की अभी भी चार गेंदे बाकी है, देखना है रूल्ला उसमें कितने रन बटोर पाते हैं नए बल्लेबाज रूल्ला। एक रन मात्र हासिल किया इस गेंद पे, काफी लूज डिलीवरी थी, चाहते तो मिड विकेट की दिशा में चार रन हासिल कर सकते थे, लेकिन लॉन्ग ऑन पे खेल की कोशिश की थी छक्का मारने की जिसपे बीट हुए, मात्र एक रन मिला। इसी बीच अशरफ सामना करेंगे शानू का। देखना है कि अशरफ कितने रन बटोर पाते हैं बची हुई तीन गेंदों पर। और ये एक रन बटोर पाए, छह रन हो सकता था, अच्छी फील्डिंग वहां पर। तो मात्र एक रन अभी तक काफी अच्छा ओवर, एक चौके के अलावा सिर्फ सिंगल्स में रन बने हैं। आखिरी पेनल्टीमेट ओवर काफी अच्छा जाता हुआ शानू का, और ये कैच आउट, एक और विकेट शानू को। स्कोर 42 पे एक और विकेट गिरा। देखना है इस गेंद पर कितने रन बटोर पाते हैं। निम्बू फिराने की कोशिश नाकामयाब, आउट। और ये विकेट कीपिंग, एक और विकेट मिलता हुआ, ओवर की समाप्ति हो गई है। एसके वैली और फतेहपुर के कप्तान मेरी आवाज सुन रहे हैं तो टॉस उड़ाने के लिए आ जाए एसके वैली और फतेहपुर। एसके वैली और फतेहपुर लॉन्ग ऑन कैमरा टॉस। फरहान भाई मेरी आवाज सुन रहे तो मैदान में आ जाए टॉस उड़ाने के लिए। फरहान भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे तो मैदान में आ जाए टॉस उड़ाने के लिए जल्दी। फरहान भाई एसएससीसी के नोमान अकबर भाई से कांटेक्ट करें। एसएससीसी के नोमान हाँ मैं वही करवा रहा हूँ, इसलिए कैमरामैन को आवाज भी दिया। एसएससीसी के नोमान किसको आवाज दी थी? टॉस एसके वैली और कौन बोल रहे हैं?
टेल इज द कॉल एंड टेल इट इज अगेन, एक बार फिर टेल आया और फील्डिंग करेंगे। एसके वैली और ये मैन ऑफ द मैच पिछले मैच के, शानदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, मैन ऑफ द मैच। उनके टीम का ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है उन्हें। वेल प्लेड नोमान, शुक्रिया फरहान भाई। अरे कॉइन चेंज करते हैं, इसमें टेली गिर रहा है बार बार। टाइमर ऑन कर दिया जाए। बल्लेबाज आ चुके हैं, टाइमर ऑन हो चुका है, अंपायर से अनुरोध है कि मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट कराएं। कितना डूइन है? 43 रनों का टारगेट है गेम चेंजर के लिए, देखना एसएससी उन्हें रोक पाती है कि नहीं। काफी अच्छी गेंद पहली रोल्ला की, बीट की आउटसाइड एज। अच्छी फील्डिंग वहां पर, ज्यादा कोई रनों का टारगेट नहीं है, कोशिश करनी चाहिए कि आसानी से उसको पूरा करे, देखना है फिर भी क्या करते हैं। और इसी बीच लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल के एक रन बनाकर अपना और टीम का खाता खोला इस एक रन के साथ। अच्छी बॉलिंग, उतनी अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू पे रोल्ला की, मात्र एक रन मिला इस ओवर में अभी तक। और एक बार फिर इतनी अच्छी फील्डिंग, ये पहली बार देखने को मिला है 2-2 कंटिन्यू फॉलो थ्रू पे अच्छी फील्डिंग करते हुए रोल्ला। 5 गेंदे डाल चुके अब तक, मात्र एक रन दिया, काफी अच्छी गेंदबाजी। जानते हैं कि रन कुछ ज्यादा नहीं बनाए हमारी टीम ने, तो फील्डिंग से मैच को जीतना होगा और वही कर रहे हैं। 43 रनों का लक्ष्य, अभी तक 5 गेंदे डाल के मात्र एक रन दिया है, देखना आखिरी बॉल पे। और ये बोल्ड होते होते बच गए, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ओवर की समाप्ति, मात्र एक रन। बहुत अच्छा बॉलिंग किया है रोल्ला ने अपनी टीम के लिए, मात्र एक रन दिया, बचे हुए 4 ओवर में 42 रनों की आवश्यकता, 10.50 रन प्रति ओवर बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। चार ओवर में अब 42 रनों की आवश्यकता।
और आसिफ लेकर आए हैं ये क्रूशियल ओवर। अगर इस ओवर में भी रन दबा देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी गेम चेंजर्स के। लेकिन देखने को मिला है कि गेम चेंजर्स अपने नाम के हिसाब से खेली है, अभी तक कभी भी गेम चेंज कर देती है। जब तक आखिरी बॉल या आखिरी रन ना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसी बीच आप आसिफ और ये चार रन हो गए। बॉल पकड़ने से पहले कभी थ्रो नहीं करने की कोशिश करना चाहिए, ये बेसिक रूल है क्रिकेट का। गेंद को पहले कलेक्ट करें उसके बाद फेंके, ये बेसिक्स है। और ये चूक गए और ये चार रन मिले। ये नो बॉल तो ये फ्री हिट, जैसा कि पहले ओवर में दबाया था आसिफ। और ये क्लीन बोल्ड लेकिन फ्री हिट था, सैफ बच गए। फ्लाइट और पेस में लगातार बीट हो रहे हैं सैफ। और इस बार लेग बाइस चुरा लिया है भाग के, एक रन हासिल किया। कुल रन संख्या जा पहुंची है 7। अपने हाथ खोलने होंगे क्योंकि प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ। शानदार लॉन्ग हैंडल वाला शॉट 6 रन के लिए। ये मिस्टर अंसारी का शानदार शॉट, इस छक्के के साथ रन संख्या जा पहुंची है 13। सारे प्रेशर को और ये क्लीन बोल्ड, इससे अच्छा कोई बॉलर जवाब नहीं दे सकता। लॉन्ग हैंडल देख लिया था आसिफ ने कि उन्हें नीचे लाने में टाइम लगेगा, तो भरपूर फायदा उठाया। ओवर की समाप्ति, आसिफ के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 13 रन। अभी भी 3 ओवर में 30 रनों की आवश्यकता, 18 गेंद में 30 रनों की आवश्यकता, 18 बॉल 30 रन की आवश्यकता। और ये शायद चैलेंजिंग ओवर है। और ये चैलेंजिंग ओवर, बहुत अच्छी बॉल लेकिन गेंद को नीचे नहीं रख पाए, सैफ ने उसे बाउंड्री के बाहर भेज दिया है 6 रनों के लिए। अब 17 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। देखना है क्या इशारा अंपायर का, कोई बॉल कोई इशारा नहीं, डॉट बॉल। और एक और अच्छी बॉल, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नबील। और ये अगर कैच पे पहुंच जाते तो -5 हो जाता, ओवर हो जाता। बहुत अच्छी कॉन्फिडेंट भरी गेंदबाजी कर रहे हैं नबील। 2 गेंदे बाकी है और ये शानदार शॉट, और ये कैच हो सकता था अगर थोड़ी सी और मेहनत करते। 6 रन इसी बीच ओवर की अगली बॉल, आखिरी बॉल है नबील की। देखना है लास्ट बॉल पे विकेट ले पाते कि नहीं। कितना हुआ स्कोर? 5 गेंद 26 रन हो चुके हैं अभी तक का टोटल।
और ये सीधा चार रन लाला के बल्ले से निकलता हुआ, रन संख्या जा पहुंची है 31। और ये फ्री हिट पे कैच हुआ जिसका फायदा नहीं उठा पाए, ओवर की समाप्ति, लेकिन चैलेंजिंग ओवर का भरपूर फायदा उठाया गेम चेंजर्स ने अपना। तीन ओवर में 31 रन पे पहुंच गया है, दो ओवर में 12 गेंदों पे 12 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। बारह गेंदे 12 रन। और ये वाइड बॉल ले लिया है सैफ ने ऑफ स्टंप पे जाकर, अपने स्टंप को पूरी तरह से घेर के खड़े हैं। एक और अतिरिक्त रन हासिल किया है कि नहीं? यस, चतुराई भरी बल्लेबाजी, अतिरिक्त रन अपनी टीम के लिए, 12 गेंदों में मात्र 10 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। और ये अच्छा अटेम्प्ट वहां पर, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 11 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और ये बहुत अच्छी बॉल, पेस में बीट किया लाला को। ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे लाला, और ये शानदार शॉट, लेकिन ऊपर लग के नीचे आ गई गेंद। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, मात्र 8 रनों की आवश्यकता। और ये काफी करीबी मामला हो सकता था, यासिफ ने बहुत अच्छी कोशिश की थी रन आउट करने की, लेकिन स्टंप पे नहीं मार पाए, क्लोज कॉल था, रन आउट हो सकता था। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, और ये नबील कंट्रोल नहीं कर पाए, फील्डिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन लास्ट बॉल। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति, छह गेंदों में 7 रन की आवश्यकता। छह बॉल 7 रन, नए गेंदबाज है नोमान, सामना करेंगे सैफ जो कि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। आसिफ ओवर शॉर्ट लेग पे, बहुत अच्छी गेंद, टप्पा गाकर बाहर निकले, कुछ खास समझ नहीं पाए। 5 बॉल 7 रन, प्रेशर बढ़ता हुआ, मात्र 1 चौके का डिफरेंस है। और ये छक्का मार दिया सैफ ने, हमने चौके की बात की, उन्होंने कहा जी नहीं, हमने छक्के से मैच ही खत्म कर दूंगा, अब 1 रन की और आवश्यकता। बहुत अच्छा बॉल प्लेट करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से डेड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। और ये काफी आसानी से 1 रन चुरा लिया अपनी टीम के लिए सैफ ने, वेल प्लेड। अगली टीम दोनों एसके वैली और फतेहपुर, वही एसके वैली और फतेहपुर जल्द से जल्द मैदान में आ जाए। एसके वैली फतेहपुर दोनों टीमें मैदान के बाहर हो जाए। वेल प्लेड सैफ, दो छक्के के ऊपर सैफ। सैफ अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यहाँ पे मुदस्सर की तरफ से 200 रुपए का कैश प्राइज ले ले। सैफ लॉन्ग ऑन कैमरा, मुदस्सर मुदस्सर यहाँ पे दे, और ये इधर 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 कैमरा इधर, और ये 200 रुपए का कैश। वेल प्लेट सैफ,
दो छक्के के ऊपर ये 200 रुपए का कैश, वेल प्लेड। Gracias.